पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन अभी से इस बात की बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है कि अगर बीजेपी अगली बार भी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही इस पद पर बैठेंगे या फिर हो सकता है बड़ा बदलाव। लेकिन हाल ही में एक सर्वे सामने आया है जिसमें इस बात को लेकर लोगों का मत जाना गया है कि मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री किस नेता को होना चाहिए। बड़े मीडिया हाउस की तरफ से कराए गए इस सर्वे में बड़े ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। आपको बताते चले कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक लोग अगले पीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। ये सर्वे 3 जनवरी से 13 जनवरी 2021 के बीच तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा लोगों के बीच कराया गया। इसमें 67% लोगों ने और ग्रामीण आबादी वाले लोगों ने, साथ ही साथ 23% शहरी आबादी वाले लोगों को मिलाया गया। वैसे तो अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि पीएम मोदी ही देश के अगले पीएम बने, लेकिन उनके बाद दूसरे नंबर पर है योगी आदित्यनाथ। 38% लोग चाहते हैं कि अगले पीएम भी मोदी ही हो। वहीं मोदी के बाद दूसरे नेता के तौर पर 10% लोग योगी आदित्यनाथ को पीएम देखना चाहते हैं, जबकि 8% लोग ऐसे हैं जो लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री देखने की इच्छा रखते हैं। इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ गई है। अगर सर्वे की बात करें तो 7% लोग राहुल गांधी को अगला पीएम देखना चाहते हैं, वहीं 5% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल भी हैं। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को 4% लोग पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की बात करें तो 3% लोग चाहते हैं कि वो भी पीएम बने। फिलहाल अभी ये सर्वे चुनाव के काफी पहले कराया गया है, लेकिन इससे इस बात का तो अंदाजा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि योगी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रह पाते हैं या नहीं। ITB न्यूज रूम की रिपोर्ट।